इस वैलेंटाइन पर आप अपने वैलेंटाइन को क्या गिफ्ट करने वाले हैं? फूल, चॉकलेट, एक महंगी घड़ी, एक महंगा परफ्यूम? वेल, मैं कहूंगी इन पुराने गिफ्टिंग आइडिया से जरा ऊपर उठिए, क्योंकि मनी नाइन आपके लिए लेकर आया है 3 ऐसे नए तरीके के आइडियाज जो हटकर भी हैं और आपके वैलेंटाइन को हमेशा याद भी रहेंगे। पहला गिफ्टिंग आइडिया है, अपने वैलेंटाइन को दीजिए एक सुनहरा सरप्राइज, यानी कि गोल्ड। अब आपको लगेगा मैं तो बहुत ही कॉस्टली सा गिफ्ट बता रही हूँ, और मैं ऐसा गिफ्ट बता रही हूँ जो शायद सिर्फ लड़के लड़कियों को दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गिफ्ट ऐसा है जो अगर लड़कियाँ चाहें तो वो भी अपने पार्टनर को गिफ्ट दे सकती हैं, और इसमें आपकी जेब भी ज़्यादा ढीली नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप गोल्ड का फिजिकल वर्जन, यानी कि अंगूठी या कोई माला या चूड़ियाँ नहीं आपको खरीदना है, आपको खरीदना है डिजिटल गोल्ड। गोल्ड ETF खरीदिए। कीमत पता कितनी है? अगर आप एक मूवी देखने जाएंगे, साथ में पॉपकॉर्न लेंगे, तो एक ही टिकट और प्लस पॉपकॉर्न 500 रुपये का हो जाएगा। तो गोल्ड ETF मिनिमम 500 रुपये में खरीद सकते हैं, 1 ग्राम तक का सोना के भाव का सामान भी खरीद सकते हैं, और ये एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। गोल्ड के प्राइजेस के रिटर्न के मुताबिक आपको इसमें रिटर्न मिलता है, और इसके सिक्योरिटी को लेकर के भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में नहीं है। अच्छा, ये गोल्ड का आइडिया आपको जमा नहीं, तो चलिए आपके लिए है आइडिया नंबर 2, और ये है म्यूचुअल फंड में सिप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत। कैसे कर सकते हैं आप? सबसे पहले तो आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड चुनना चाहिए। इक्विटी हो सकता है, डेट हो सकता है, या फिर हाइब्रिड हो सकता है, जो इक्विटी और डेट दोनों का एक मिक्स होता है। जब आप फंड चुन लेंगे तो अपना बजट देखिए। अब हम मान लेते हैं कि आप प्लान कर रहे थे कि आप 2000 रुपये में अपने वैलेंटाइन के लिए एक गिफ्ट खरीदेंगे, भले ही कुछ भी हो सकता है वो गिफ्ट, तो इस 2000 को आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो अगर आप 2000 रुपये 10 साल तक एक फंड में निवेश करते रहेंगे और 12% का हम अगर रिटर्न माने, तो आपको पता है आप जमा कर रहे होंगे 2,40,000, लेकिन 12% के हिसाब से 10 साल में आपको रिटर्न मिलेगा 2,24,000 का, और यानी कि कुल राशि जो आप जमा करेंगे वो होगी 4,64,000 के आसपास। तो उस 2000 से आप कोई छोटी सी चीज़ खरीदना पसंद करेंगे, या फिर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो आगे जाकर एक मुश्त राशि आपके वैलेंटाइन, आपके पार्टनर के हाथ में रख सके। अब आते हैं आइडिया नंबर 3। आप छोटे छोटे सिप के जरिए अपने पार्टनर को खुश नहीं करना चाहते हैं, तो बड़ा लमसम पेमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप शुरुआत कर सकते हैं PPF अकाउंट की। PPF अकाउंट एक स्मॉल सेविंग स्कीम है, बैंक और पोस्ट ऑफिस में खुलती है, और इसमें सरकार आपको इंटरेस्ट भी देती है। तो हम मान लेते हैं कि आप साल में 15,000 रुपये डालते हैं, तो 15 साल का इसमें लॉकिंग होता है। 15 साल के बाद अगर आप हर साल 15,000 कंसिस्टेंटली डालते रहे, तो आपकी कुल राशि जो जमा हो जाएगी वो होगी 2,25,000, और अभी PPF में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 7.1% का, उस हिसाब से आपको इस पर रिटर्न भी मिलेगा 1,81,000 का। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट आप ही करते रहें, आप अपने पार्टनर को भी इनकरेज करें कि वो भी इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहे या इसमें ऐड करते रहे। तो होगा क्या, आप केवल एक तोहफा नहीं दे रहे होंगे, अपने वैलेंटाइन को एक अच्छी फाइनेंशियल हैबिट भी सिखा रहे होंगे। तो मैं तो यही कहूंगी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, लेकिन इस वैलेंटाइन डे में जरा गिफ्ट हट कर दीजिएगा। मनी नाइन के आइडियाज आपके साथ हैं।